नमस्कार, मेरा नाम सत्यकाम है और मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ। और आज ईपीजी पाठशाला हिंदी के प्रश्न पत्र हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य में हम चर्चा करेंगे, जिस इकाई का उसका नाम है हिंदी आलोचना में गोदान का मूल्यांकन। इसी विषय पर हम लोग आज बातचीत करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हिंदी आलोचना ने गोदान को किस प्रकार देखा, परखा, समझा। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप हिंदी आलोचना में गोदान संबंधी जो विभिन्न मत आए हैं उनको समझ सकेंगे, परख सकेंगे और गोदान के संदर्भ में आलोचकों के विचारों और स्थापनाओं से परिचित हो सकेंगे, अवगत हो सकेंगे और अंततः इन आलोचनाओं के संदर्भ में गोदान के महत्व को समझ सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेमचंद हिंदी के एक प्रतिष्ठित कथाकार हैं और हम प्रेमचंद से ही अपनी हिंदी की कथा परंपरा का आरंभ भी मानते हैं, हालांकि कथा परंपरा की शुरुआत पहले से हो चुकी थी। प्रेमचंद ने जब लिखना शुरू किया तो उस समय उन्होंने जिस यथार्थ को सामने रखा या यथार्थ को जिस रूप में सामने रखने की कोशिश की, जो उस समय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, जो उस समय नवजागरण का प्रभाव पड़ रहा था भारतीय समाज पर, उन सबको समेट कर प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में उसको परिलक्षित किया। और सबसे बड़ी बात कि प्रेमचंद जो इस नए रूप में साहित्य को लेकर सामने आए थे, उस नए रूप को जो सामने लेके आए प्रेमचंद, तो सबसे बड़ी बात हुई कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समीक्षाएं और आलोचनाएं छपनी लगी उनकी कृतियों के बारे में, क्योंकि लोगों को उनकी कृतियों ने अपील किया, निंदा भी हुई, प्रशंसा भी हुई, कटु आलोचना भी हुई। आज हम अपने इस पाठशाला के इस सत्र में हम गोदान के संदर्भ में जो आलोचना हुई, गोदान को समझने के क्रम में आलोचकों ने जो भिन्न मत प्रस्तुत किए, यानी कि एक ऐसी कृति, ऐसी नायाब कृति सामने आई जिसको समझने के लिए अलग अलग मानदंडों की आवश्यकता थी, कुछ आलोचकों ने पुराने मानदंडों से इसे परखने की कोशिश की और उन्हें इसमें त्रुटियां दिखाई दी। शनै शनै इस उपन्यास को, इस कृति को समझने का औजार विकसित होने लगा और आलोचना का औजार कृति के अनुसार बदलता है। अगर हम कृति के अनुसार आलोचना का औजार नहीं बदलेंगे, यानी आलोचना की समझ और आलोचना की दृष्टि यदि समय के साथ नहीं बदलेगी, तो हम कृति के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। गोदान की रचना 1936 में हुई और उस समय से ही विद्वानों ने उसे अलग अलग ढंग से, अलग अलग कोणों से उसे देखने, परखने, तलाशने की, उसकी पड़ताल करने की कोशिश
की और उससे विभिन्न मत सामने आए। उसके बाद पाठ्यक्रम के रूप में गोदान लगभग सभी विश्वविद्यालयों में लगाया गया और उसको पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में अध्यापकों ने नए ढंग से गोदान को देखा और गोदान को एक कृषि संस्कृति का महाकाव्य से लेके गोदान को एक ऋण की समस्या के की कृति, गोदान को एक समग्र पूंजीवाद और सामंतवाद के शोषण के का जो पूरा चक्र था उसकी एक प्रतिनिधि रचना के रूप में देखा गया। हिंदी साहित्य जो भी पढ़ता है वो गोदान पढ़ता है और हर पाठक गोदान को अपनी दृष्टि से देखता है, इसलिए गोदान पर प्रेमचंद पर तो बहुत लिखा गया लेकिन अकेले गोदान पर जितनी समीक्षाएं निकली, गोदान पर जितने आलोचनात्मक विचार सामने आए, क्योंकि ये एक ऐसी कृति है जिसको बार बार समझना पड़ता है और इन आलोचनाओं से गोदान को समझने की, गोदान को पकड़ पाने की दृष्टि मिलती है। जिस तरह प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में कथा साहित्य के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बिना हम कोई बात कर ही नहीं सकते हैं, वो प्रस्थान बिंदु है हिंदी आलोचना के। तो मन में सहज प्रश्न उठता है कि गोदान के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों का परिचयात्मक विवरण तो दिया है, रंगभूमि गबन और कर्मभूमि का भी उल्लेख किया है, लेकिन गोदान का उल्लेख नहीं किया है। बहुत आश्चर्य की बात है, हो सकता है जब वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हों उस समय तक उन्होंने गोदान न पढ़ी हो, वरना गोदान अगर उनके सामने आया होता या गोदान उन्होंने पढ़ी होती तो निश्चित रूप से वो उसकी चर्चा करते। प्रेमचंद के समकालीन जैनेन्द्र जो एक बड़े कथाकार हैं, जिन्होंने जिनकी कहानियों और उपन्यासों ने एक उपन्यास का एक नया संसार विकसित किया, उन्होंने एक टिप्पणी लिखी, लेख लिखा, प्रेमचंद का गोदान यदि मैं लिखता। प्रेमचंद ने जो रचना संसार विकसित किया उस पर जैनेन्द्र बिल्कुल मौलिक ढंग से सोचते हैं और उन पर दो निबंध लिखे, टिप्पणियां लिखी, एक तो प्रेमचंद की कला और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प्रेमचंद का गोदान यदि मैं लिखता। उन्होंने जो अपने लेख में जिन बिंदुओं की ओर उल्लेख किया उसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने प्रेमचंद को निरपेक्ष भाव से उनकी इस कृति को परखा और एक रचनाकार जब दूसरे रचनाकार को परख रहा होता है तो आलोचना में एक रचनात्मक दृष्टि का भी प्रवेश हो जाता है जो आलोचना के लिए सोने में सुहागा का काम करता है। तो जो रचनात्मक दृष्टि जैनेन्द्र में थी उस रचनात्मक दृष्टि को आधार बनाकर उन्होंने प्रेमचंद के गोदान को परखा, उसकी
उसकी पड़ताल की और गोदान के चरित्र, गोदान के कथानक विस्तार आदि के बारे में उनका यह कहना है कि प्रेमचंद की कथाओं में स्फीति बहुत है, वे कथा का बहुत ज्यादा विस्तार करते हैं। जो बात थोड़ी में संक्षेप में कहने से उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है, उसे वो बहुत फैला कर कहते हैं। तो कथानक विस्तार के लिए उन्होंने प्रेमचंद की आलोचना की और वो कहते हैं कि प्रेमचंद की रचनाओं में इसलिए बिखराव आ जाता है उनकी कथा में। उनको, जैनेन्द्र को ये लगता है कि ये उनकी, प्रेमचंद की कथा बहुत सुगठित नहीं है, उसमें फैलाव है, उसमें बिखराव है, उसमें संयोजन का अभाव है। और उनकी, उनका जो कथानक है वो बड़ा ढीला ढाला होता है। वो ये कहते हैं कि अगर प्रेमचंद की कथा में विस्तार कम होता तो उनकी कथा और भी प्रभावी होती, क्योंकि विस्तार से वो भाव कम हो जाता है। जैनेन्द्र इसमें लिखते हैं कि यदि मैं गोदान लिखता तो इतना, इतने पृष्ठ इसमें न होते, कम पृष्ठ होते। और जितने पात्र प्रेमचंद ने ले लिए हैं, यानी गोदान में जितने पात्र हैं उतने पात्र न होते यदि मैं लिखता, यानी जैनेन्द्र ये बात कह रहे हैं कि अगर वो गोदान की रचना करते। उनका तो यह भी कहना है कि महज दो चार पात्रों के जरिए मैं ये काम कर लेता। ये भी कहा जैनेन्द्र ने कि ये जो कथा आई है गोदान में, ये कथा मुख्य रूप से गांव की कथा है और जो शहर की कथा इसमें कही गई है वो आरोपित है। तो गांव की कथा पर शहर की कथा का आरोपण को दोष के रूप में जैनेन्द्र देखते हैं। लेकिन जैनेन्द्र प्रेमचंद की भाषा, उसमें प्रयुक्त मुहावरे, उसमें प्रयुक्त लोकोक्तियों और वर्णन शैली पर बिल्कुल मुग्ध है। यानी वो दो बिंदुओं पर जोर देते हैं, कथा स्फीति ज्यादा है, कथा में बिखराव ज्यादा होता है, और ग्रामीण कथा मुख्य है और शहरी कथा उस पर आरोपित। प्रेमचंद पर एक प्रमुख किताब रामविलास शर्मा ने लिखी, पहली किताब जो उनकी 1941 में आई प्रेमचंद के नाम से, जो सरस्वती प्रेस बनारस से निकली थी, और ये रामविलास शर्मा की पहली आलोचनात्मक पुस्तक थी। दूसरी किताब 1952 में उन्होंने लिखी प्रेमचंद पर, प्रेमचंद और उनका युग। दोनों किताबों में कमोबेश रामविलास शर्मा ने अपने विचारों को एक जैसा रखा है, उसमें बहुत बदलाव नहीं है। हाँ, एक क्रमिक विकास अवश्य। रामविलास शर्मा का मानना है कि ये जो गोदान है वो गोदान में प्रमुख समस्या ऋण की समस्या है, और वे गोदान का मूल्यांकन इसी आर्थिक आधार पर करते हैं, उस महाजनी सभ्यता के कारण जो ऋण में लगातार किसान जकड़ जाता है, वही, उसे ही मुख्य बिंदु मानते हैं। उनका मानना है कि सामान्य लोग भी कर्ज लेते हैं, लेकिन जो किसान है, जिसका प्रतिनिधि हो रही है, वो जिस तरह से कर्ज लेता है वो बिल्कुल विशिष्ट है, वो बिल्कुल टिपिकल है। और वो ये कहा है कि वो किसान केवल अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि एक साम्राज्यवादी शोषण से बचने के लिए,
और जमीन उसके हाथ से न चली जाए, उस जमीन के प्रति जो उसका मोह है, उस मोह के कारण वो अपनी जमीन को बचाने के कारण वो ऋण लेता है। रामलीला शर्मा ने गोदान के संदर्भ में संयुक्त परिवार के टूटने का भी संकेत किया है। रामलीला शर्मा ये भी कहते हैं कि गोदान के किसी पात्र को प्रेमचंद का प्रतिनिधि पात्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन होरी और मेहता को यदि जोड़ दिया जाए तो जो व्यक्ति बनेगा वो तो कुछ प्रेमचंद के व्यक्तित्व जैसा होगा। उनका कहना है कि मेहता को के माध्यम से यदि उन्होंने विचार प्रस्तुत किए हैं तो होरी के माध्यम से उन्होंने बराबर परिश्रम करने की प्रेरणा शक्ति प्रस्तुत की है। और रामलीला शर्मा ने कहा है कि प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में उपनिवेशवादी जो चेतना है उसके विरोध में उन्होंने लिखा है, उपनिवेशवादी विरोधी चेतना को रेखांकित किया है। यानी रामलीला शर्मा ने मुख्य रूप से गोदान का मूल्यांकन आर्थिक आधारों पर किया और ऋण की समस्या को केंद्र में रखते हुए उन्होंने पूरे औपनिवेशिक साम्राज्यवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद की आलोचना का एक प्रमुख ग्रंथ इसे माना। एक बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं नंद दुलारी वाजपेयी, उन्होंने 1953 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन। इसमें उन्होंने कहा कि प्रेमचंद में किसी मानवतावादी सेवा धर्म के स्वाभाविक चिंतन का अभाव दिखाई पड़ता है। वे ये भी कहते हैं कि सुव्यवस्थित चिंतन को सुसंबद्ध दर्शन समझना चाहिए। वैसे प्रेमचंद ने कभी भी मानवतावादी सेवा धर्म का हवाला नहीं दिया है, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल या लोक धर्म का हवाला दिया है। फिर भी नंदलाल वाजपेयी आलोचना करते हुए ये बात कहते हैं, नंदलाल वाजपेयी कहते हैं कि प्रेमचंद ने अपने सेवा धर्म या निष्काम कर्मयोग का गंभीर दार्शनिक विवेचन नहीं किया है। प्रेमचंद की इस तथाकथित कमजोरी या कमी के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रेमचंद में वर्णन क्षमता की कमी है और उनमें चित्रण का अभाव है, जिसके चलते चरित्र उभर नहीं पाते। होरी पाठक में करुणा का संचार करता है, पर इस भाव संचार के पीछे बुद्धि के रेशम की डोर भी हो तो भाव संचार दिगंतगामी पेंग मार सकता है। प्रत्येक कला वस्तु को बाहर से चाहे जितना रसमय बनाने का परिश्रम किया जाए, जब तक उसके अंतस में कृतिकार की चैतन्य आत्मा नहीं झलकती, जब तक विवेक प्रसूत एक दर्शन रक्त प्रवाह की भांति उस कला शरीर को सजीवता प्रदान नहीं करता, तब तक क्या हम उसे सम्यक अर्थ में कलाकृति कह सकते हैं। अब देखिए, जो औजार नंद दुलारे वाजपेयी गोदान के मूल्यांकन के लिए अपना रहे हैं, जो औजार ले रखा है, उस औजार से प्रेमचंद के इस उपन्यास का मूल्यांकन हो ही नहीं सकता।
यह एक रीतिवादी औजार, रीतिवादी कविता या मध्यकालीन कविता या आदिकालीन कविता या साहित्य को मूल्यांकन करने का जो औजार मौजूद था, उसी औजार के माध्यम से वे गोदान का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो औंधा मुंह गिरेगा, वो गिरेगी वो आलोचना। और इस तरह से ये इस आलोचना का कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है कि नंदुलारी वाजपेयी कहना क्या चाहते हैं, कौन सा रस, कौन सी कला। यहां तो एक ऐसे यथार्थ को सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है, और उस यथार्थ को नंद दुलारे वाजपेयी समग्रता से समझ नहीं पाए हैं जो प्रेमचंद कहना चाहते हैं, इसलिए उनकी इस आलोचना का गोदान के कृति से कोई संबंध लगता ही नहीं है। अब फिर नंद दुलारे वाजपेयी को यह लगता है कि जो दो कथाएं इसमें आई हैं, शहर की कथा और गांव की कथा, उसमें ऐक्य नहीं है। वे लिखते हैं, गोदान के नागरिक और ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के दो खंडों में रहने वाले दो परिवार के समान हैं, जिनका एक दूसरे के जीवन क्रम में बहुत कम संपर्क है। वे कभी कभी आते जाते मिल लेते हैं और कभी कभी किसी बात पर झगड़ा भी कर लेते हैं, परंतु न तो उनके मिलने में और न झगड़े में ही कोई ऐसा संबंध स्थापित होता है जिसे स्थायी कहा जा सके। बिल्कुल जो आलोचना की है नंदुलारे वाजपेयी ने, वो इसलिए कि वो इस कृति को समझ नहीं सके। जैसा कि मैंने कहा, एक मुकम्मल रचना है गोदान, जिसमें पूंजीवाद और सामंतवाद दोनों किस प्रकार श्रमिकों का, किसानों का, मजदूरों का शोषण करते हैं, उसके लिए नए नए औजार विकसित करते हैं, और दोनों का एक दूसरे से संबंध है, दोनों शोषक हैं, दोनों समाज शोषक समाज है, और उस शोषक समाज, उस महाजनी सभ्यता की आलोचना प्रस्तुत की है प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में, एक मुकम्मल आलोचना। और नगर समाज, एक तरफ जहां पूंजीवादी और औद्योगिक शक्तियों द्वारा मजदूरों और किसानों के शोषण की प्रक्रिया में है, तो दूसरी ओर सामंतवादी व्यवस्था में जमींदार, कारिंदे, महाजन सब किसानों का शोषण कर रहे हैं। इस रूप में अगर हम गोदान को देखेंगे, जो गोदान का मूल स्वर है, तभी तो हम गोदान को समझ पाएंगे, वरना नंदुलारी वाजपेयी जैसी हम व्याख्या करेंगे जिसका उस उपन्यास से कोई संबंध नहीं। गोदान उपन्यास के नाम को लेकर भी उन्हें समस्या है। वे लिखते हैं, उपन्यास का नाम गोदान है, जिससे यह सूचना नहीं मिलती कि यह संपूर्ण भारतीय जीवन को चित्रित करने का लक्ष्य रखता है। गोदान नाम से यही भासित होता है कि इसका संबंध कृषकों के जीवन के किसी मार्मिक पहलू से है, और यही बात हम उपन्यास में पाने की संभावना रखते हैं। उनका मानना है कि गोदान में न तो महाकाव्य जैसा औदात्य उत्कर्ष का समारंभ आया है, और न गहनतम उच्छ्वास जैसा सीमित तन्मयकारी प्रभाव ही व्यक्त हो पाया है। लियो टॉलस्टॉय का वार एंड पीस जिस तरह रूस का राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है, नंदुलारी वाजपेयी के अनुसार गोदान वैसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वे कहते हैं कि विस्तार में न सही, गहराई में यह उपन्यास युग का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें भारतीय जीवन की करुणा होरी के रूप में साकार हो उठी। होरी मानो देश की वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधि है। वे कहते हैं कि गोदान तो केवल भारतीय कृषक की असहाय अवस्था दिखाकर समाप्त हो जाता है,
गोदान के अंत के बारे में उनकी टिप्पणी है कि प्रेमचंद ने इस उपन्यास में कोई मार्ग निर्देश नहीं दिया है। उनकी नज़र में प्रेमचंद प्रत्यक्षवादी लेखक थे। प्रत्यक्षवादी लेखक से उनका तात्पर्य यह है कि आज जो आपने समाचार पत्रों में पढ़ा, कल उसे प्रेमचंद की कहानियों में पढ़िए। उनका मानना है कि प्रेमचंद का लेखन सामयिक सीमा के बाहर नहीं जाता। इस पर उनकी टिप्पणी है कि समय ने प्रेमचंद का साथ उतना नहीं दिया जितना प्रेमचंद ने समय का साथ दिया। अब एक दूसरे आलोचक हैं इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान भी ये मानते हैं कि गोदान में जो गांव की कथा आई है और शहर की कथा आई है उसमें वो बहुत अभिन्न नहीं है, और वे मानते हैं कि वो एक प्रकार का मैल है जिसे धोया जा सकता है, इसे आसानी से उपन्यास से बाहर निकाला जा सकता है। वे एक तरह से नंदुलारे वाजपेयी की मान्यता को दोहरा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये माना कि नहीं, ये अतिरंजित विचार है, ये विचार ठीक नहीं है, और बाद में भूल सुधार की और माना कि देहात और शहर की जो कथा इसमें आई है वे एक दूसरे के पूरक है, और उपन्यास की जो संरचना बनती है उसके मूल में वो जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी मुखर्जी ने बड़े ही अलग ढंग से गोदान की चर्चा की। गोदान कल्पना और यथार्थ में वो लिखती हैं, जिसे मैं पढ़ता हूं। गोदान उपन्यास के तीसरे दशक के मार्क्सवाद और उसकी विरोधाभासी स्थिति को गोबर के चरित्र के संबंध में देखा जा सकता है। उपन्यास में पाठक की सहानुभूति जड़ और श्रेणीबद्ध समाज को खत्म करने की बात करने वाले विद्रोही चरित्र गोबर के पक्ष में नहीं जाती, वरन भाग्य नियति और मर्जात की रक्षा करने वाले उसके पति उसके पिता होरी के पक्ष में जाती है। मीनाक्षी मुखर्जी ने आगे कहा है कि गोदान में प्रेमचंद खन्ना जैसे पात्र का निर्माण करते हैं और उसके चरित्र द्वारा दर्शाते हैं कि कैसे पूंजी एक मनुष्य को अमानवीय बना देती है। मालती और मेहता के प्रसंग को भी वे नए ढंग से बताती हैं और बताती हैं कि किस प्रकार जो एक प्रेम है वो प्रेम उभर रहा है दोनों के बीच में। वे गोदान के राय साहब को सामंतवाद का प्रतिनिधि मानती हैं और यह बताती हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था की अमानवीय वणिक वृत्ति की वजह से ही कुछ विद्वान आज प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र की प्राचीन व्यवस्था की हिमायत करते हैं। प्रसिद्ध कथा आलोचक गोपाल राय ने गोदान को कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है और एक त्रासदी कहा है इस उपन्यास को, और इस उपन्यास की तुलना उन्होंने मैकबेथ की है और कहा है कि मैकबेथ जहां राज्य की आकांक्षा रखता है उसी तरह होरी गाय की आकांक्षा रखता है, और लेकिन होरी की आकांक्षा बहुत ही सहज है, सरल है, और मैकबेथ की जो आकांक्षा है उसमें एक महत्वाकांक्षा, उसमें एक छल कपट का भी जोर है। इसी प्रकार विजय देव नारायण शाही, शिव कुमार मिश्र, ये सब बताते हैं कि किस प्रकार मधुरेश, ये बताते हैं कि किस प्रकार ये जो महाजनी सभ्यता है और किस तरह गोदान ढहते हुए सामंतवाद और उभरते हुए पूंजीवाद का आख्यान है। और एक अंत में एक दलित आलोचक जिनकी प्रेमचंद ने की जिन्होंने बड़ी कटु आलोचना की है, और उन्होंने प्रेमचंद को सामंत का मुंशी भी कहा है, और ये प्रेमचंद के बारे में ये कहा है कि वे उन्होंने अपने उपन्यासों में अपनी कहानियों में दलित जीवन का चित्रण नहीं किया है और वो दलितों के विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और वो प्रमाण कहीं भी जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उस आरोप के पक्ष में नहीं है। अपनी पुस्तक प्रेमचंद और भारतीय किसान
में राम बख्श ने, प्रोफेसर राम बख्श ने यह बताया है कि प्रेमचंद ने गांव के और खासकर किसानों के जीवन की जो सादगी है उसको, उसका जो आंतरिक रूप है, उस रूप को सामने रखने की, रखने का सफल प्रयास किया है, सफलतापूर्वक उसको रखा है। और उन्होंने संपूर्ण जीवन का चित्रण जरूर किया है, लेकिन उपन्यास की धुरी में किसान का दैनिक जीवन है, और इस दैनिक जीवन के चित्रण में प्रेमचंद को बड़ी सफलता मिली। प्रोफेसर रामबख्श ये भी कहते हैं कि अपने उपन्यासों में और गोदान में भी स्वाधीनता आंदोलन की ओर भी बार बार प्रेमचंद इशारा करते हैं। उनका मत है कि ये जो नगरीकरण की प्रक्रिया है, उस नगरीकरण की प्रक्रिया, शहर से गांव की ओर पलायन, इसका भी प्रेमचंद ने बिल्कुल माकूल चित्रण किया है। प्रोफेसर रामबख्श ये कहते हैं कि हमारे राय साहब और ताल्लुकेदार ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कर्ज ले रखे हैं और एक तरफ पूंजीवाद के चाकर बने हुए हैं और सामंतवाद के पिछलग्गू बने हुए हैं, क्योंकि वो एक ऐसे टूटे हुए तख्त पर, टूटी हुई नाव पर बैठे हुए हैं जिसमें पानी भर रहा है, पूंजीवाद की पूंछ पकड़ रखी है उन्होंने, लेकिन उनका डूबना निश्चित। इस प्रकार हम देखें कि किस प्रकार गोदान को लगातार समझने का प्रयास किया गया है। और खास तौर पर जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा हिंदी के आलोचकों में, वो नगर कथा और ग्राम कथा को लेकर, और आलोचकों ने अंततः यह स्थापित किया कि ये नगर कथा और ग्राम कथा एक दूसरे से असंबद्ध लगते हैं, लेकिन इससे जो मुकम्मल चरित्र सामने आता है, इससे जो एक पूरे शोषण जो चक्र था उस समय, उसका जो स्वरूप सामने आता है, वो नगर कथा के आने से पुष्ट होता है। पूंजीवाद और औद्योगिकरण के विकास को बिना नगर कथा के दिखाया नहीं जा सकता था। हाँ, बहुत सी कथाएं, बहुत से प्रसंग इसमें ऐसे हैं जिनको इसमें से हटाया जा सकता था, लेकिन ये उपन्यास के अंग बनकर आए हैं और कथा को रोचक बनाने में इसमें मदद मिलती है। तो इस प्रकार प्रेमचंद के इस गोदान को अलग अलग कोणों से, अलग अलग विजन से समझने का प्रयास किया गया है, मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न किया गया है। सभी तरह के आलोचकों ने इस पर अपनी अपनी बात कही है, लेकिन इन तमाम तरह की आलोचनाओं ने गोदान के व्यक्तित्व को बड़ा किया है और यह बताया है कि किस प्रकार आलोचनाओं के बीच से ये गोदान निखर कर ऊपर आता है, और जो विभिन्न मानदंडों से गोदान को परखने की कोशिश की गई है उससे गोदान को समझने में मदद मिली। गोदान का शीर्षक ऐसा क्यों है, गोदान की मूल प्रवृत्ति क्या है, गोदान में नगर कथा ग्राम कथा क्यों आई है, गोदान में मेहता गोविंदी मालती का प्रसंग, खन्ना का प्रसंग क्यों है, इन पर विस्तार से आलोचकों ने व्याख्या की। गोदान एक दांपत्य जीवन का शोक गीत है, ऐसा कहा गोपाल राय जी ने। रामबिलास शर्मा ने कहा कि ये जो गोदान है इसकी मूल में ऋण है, और ऋण को वो सीधे जोड़ते हैं पूंजीवाद और सामंतवाद और कुल मिलाकर महाजनी जो सभ्यता है उससे जोड़ते हैं। कृति एक, आलोचनाएं अनेक, जिससे हम उस कृति को उसकी पूर्णता में समझ पाते हैं। हर एक पाठक अगर किसी कृति को अपने दृष्टिकोण से देखे, अपनी दृष्टि से देखे,
तो उस कृति में अनेक विशेषताएं मिलती हैं। और इसी तरह किसी कृति को आलोचना के माध्यम से समझने में मदद मिलती है, और इन आलोचनाओं ने गोदान को समझने में भी हमें बहुत बहुत मदद पहुंचाई है। और एक विद्यार्थी के रूप में, एक पाठक के रूप में, आप सबको गोदान को अपनी दृष्टि से पढ़ना चाहिए और इन आलोचनाओं को समझते हुए, इनकी पड़ताल करते हुए गोदान को अपनी दृष्टि से समझना चाहिए। धन्यवाद।